डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम क्लास टेंथ के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, टेंथ क्लास में मैथमेटिक्स में हम लोग पृष्ठीय और क्षेत्रफल वाले चैप्टर में एक्सरसाइज 13.4 यानी कि 13.4 के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम आपको पिछले क्लास में, जब भी पिछली क्लासेस हुई थी, पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने सीखा था कि 13.4 के लिए कौन कौन से इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं। तो हम लोगों ने 13.4 के लिए शंकु के छिनक के बारे में पढ़ा था कि शंकु के छिनक कहते किसको हैं, शंकु के छिनक का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, शंकु के छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसका पृष्ठीय संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, उसका त्रियक ऊंचाई क्या होता है, उसका आयतन क्या होता है, इस सब के बारे में हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था। तो आपको 13.4 के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूले आपको समझ में आना चाहिए, आपको पता होने चाहिए, तभी आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को समझ में आएगा। चलिए फिलहाल पहले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं, बढ़ते हैं। क्या लिखा है क्वेश्चन? पानी पीने वाला एक गिलास 14 सेंटीमीटर ऊंचा है। तो गिलास होता कैसा है, गिलास का हम पहले फिगर दिखा देते हैं। तो गिलास का फिगर ऐसा होता है दोस्तों, ये आपको पानी पीने वाला गिलास है, ठीक है। ये पानी पीने वाला क्या है, गिलास है। इसका ऊंचाई दिया है 14, तो आपका इसका ऊंचाई पता होना चाहिए। ये हो गया ऊंचाई, इसको हम लोग ऊंचाई कह देंगे, ठीक है। H इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। फिर क्या बोला गया, ऊंचाई वाले एक शंकु के छिनक का आकार है। जी हाँ, एक शंकु को हम लोग काटते हैं तो ऐसा ही नज़र आता है। ये अलग बात है कि बड़ा वाला जो वृत्त है ऊपर है और छोटा वाला वृत्त नीचे है, तो ये मायने नहीं रखता है, क्योंकि इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक शंकु का छिनक ही कहलाएगा। ये शंकु पूरा हो गया और यहाँ से काटा गया है, तभी ना हम लोग छिनक बनता है। तो यह एक शंकु का छिनक के आकार का है, ऐसा बोला गया है। दोनों वृत्ताकार सिरों का व्यास 4 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर है। एक उस सिरे का व्यास 4 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाला और ये वाला, और एगो का व्यास 2 सेंटीमीटर है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें ऊंचाई हम लोगों को दिया है, जिसको एच से सूचित करते हैं, ऊंचाई का वैल्यू दिया है 14 सेंटीमीटर। फिर एक बड़ा व्यास होगा तो बड़ा त्रिज्या होगा, तो बड़ा वाला त्रिज्या का बड़ा व्यास हमको कितना दिया है, बड़ा व्यास दिया है 4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या व्यास का आधा होता है, इसलिए बड़ा त्रिज्या, एक बड़ी त्रिज्या होती है इसमें और एक छोटी त्रिज्या होती है। बड़ी त्रिज्या को हम R2 बोल रहे हैं, बड़ी त्रिज्या को R2 बोल रहे हैं, और R2 चार का आधा होगा, मतलब कि 2 सेंटीमीटर। वैसे ही छोटी व्यास दिया है, छोटा वाला व्यास, छोटा व्यास कितना दिया है 2 सेंटीमीटर। तो छोटा वाला व्यास से छोटा सा त्रिज्या होगा, छोटा सा त्रिज्या इसका कितना होगा, तो इसका नाम रख देते हैं R1। तो R1 दो का आधा करेंगे तो 1 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से हमको R1 भी पता चल गया, R2 भी पता चल गया, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई भी पता चल गया। तो बोल रहा है इस गिलास का धारिता कितनी है। तो गिलास का धारिता का मतलब ये हुआ दोस्तों, गिलास का धारिता, धारिता का मतलब आयतन। जहाँ कहीं भी धारिता बोलेगा ना, उसका मतलब समझना आयतन। तो आयतन का फार्मूला आपको याद होगा कि इस तरीके के शंकु के छिनक का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πh ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर + R2 का स्क्वायर + R1 × R2। तो कुल मिलाकर आपको देखिए, इसीलिए तो बोलते हैं ना कि जो भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस आप कर रहे हो, उसके पहले के आपको फार्मूले, उसके पहले उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको समझ में आना चाहिए, फार्मूला समझ में आना चाहिए, किसको कहते हैं शंकु का छिनक, इसका एग्जाम्पल क्या क्या होगा, है ना। तो इन सारी चीज़ों को आपको समझ होनी चाहिए। अब यहाँ पे कौन भला नहीं सॉल्व कर लेगा, अगर इतना चीज़ें उसको पता रहेंगी कि धारिता का मतलब आयतन होता है और आयतन का फार्मूला छिनक में ये होता है। तो छिनक का आयतन होता है 1/3 πh ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर, मतलब छोटी त्रिज्या का स्क्वायर, प्लस बड़ी त्रिज्या का स्क्वायर, प्लस छोटी त्रिज्या गुने बड़ी त्रिज्या।
पाई का वैल्यू कितनी होती है भाई, 22/7। एज कितनी है, 14। और ब्रैकेट आर वन का स्क्वायर, तो आर वन मेरा 1 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 × 2। आप पहले इसको सॉल्यूशन कर लीजिएगा, पहले ब्रैकेट का काम करते हैं ना। बोर्ड मास रूल्स पढ़े होंगे आप बचपन में छोटे क्लास में, कि बोर्ड मास रूल्स जो होते हैं ना ब्रैकेट वाले का काम करते हैं। तो ब्रैकेट का काम पहले कर लीजिएगा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 2 और 4 = 6 and 7। इसका वैल्यू तो खुद 7 हो जाएगा, इंटू में 7 7 कट जाएगा, इसका इसका गुना करके 3 से डिवाइड कर दीजिएगा, उतना आंसर आ जाएगा। फिलहाल बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, एक बोला जा रहा है कि एक शंकु जो है छिनक की, शंकु के छिनक की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक शंकु का छिनक है भाई, तो छिनक है तो चलिए छिनक बना लेते हैं। ये हम लोगों को छिनक हो गया, ये शंकु का छिनक, शंकु का छिनक ये हो गया। शंकु का छिनक में आप जिधर मन करें उधर बना सकते हैं, बड़ा वाला ऊपर बना सकते हैं, छोटा वाला नीचे बना सकते हैं, छिनक बस दिखना चाहिए कि छिनक है शंकु का। यहाँ बोला गया कि एक शंकु का छिनक है जिसकी तिर्यक ऊंचाई, ये वाला भाई एल का तो वैल्यू हम लोगों को दिया 4 सेंटीमीटर, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई को हम लोग कहते हैं एल। तो यहाँ पे तिर्यक ऊंचाई दिया, तिर्यक ऊंचाई जिसको एल बोल रहे हैं वो 4 सेंटीमीटर दिया, ठीक है, तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। तथा इसके वृत्तीय सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा। तो कुल मिलाकर हम आपको बताने वाले हैं कि इसमें जो दिया है, आप बताइए, एक बड़ा वाला परिधि दिया है, यानी कि बड़ा वृत्त का परिधि, बड़े वृत्त की परिधि कितनी दिया हुआ है, बड़ा वाला वृत्त का परिधि 18 सेंटीमीटर दिया है। तो बड़े वृत्त की परिधि का फार्मूला 2πr होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है 2πr, लेकिन यहाँ बड़ा है तो बड़ा है के लिए त्रिज्या r2 रखिए, 18 हो गया, इसलिए r2 का वैल्यू कितना हो गया 18/2π, गुना में है तो 2π से भाग कर दीजिए, 2 × 18 तो 9/π हो गया, किसका वैल्यू r2 का, ठीक है। इसीलिए अब यहाँ पे एक छोटा वाला परिधि भी तो है, तो इसमें दिया है, लिखिएगा कि छोटे वृत्त की परिधि, छोटे वाले वृत्त की परिधि यहाँ पे 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक मिनट, हाँ चलो अब ठीक है, यहाँ पे छोटे वाले वृत्त की परिधि 6 सेंटीमीटर दिया था। तो वृत्त की परिधि तो 2πr ही होता है, लेकिन 2πr1 कर देंगे, क्योंकि छोटी सी त्रिज्या होगा, छोटी सी वृत्त होंगी तो छोटी सी त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर। अब 2πr1 हमको पता चल गया, तो इसलिए r1 का जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2π तो गुना में है, अब इधर जाएगा तो 6/2π होगा, 3 से कटेगा तो 3π/π सेंटीमीटर। इस तरीके से r1 पता चल गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं r2 पता चल गया, l का वैल्यू पता चल गया। तो हमें क्या पूछ रहा था, छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। जी हाँ, आपको बताते चले कि छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो आपको छिनक के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में आपको बताया गया होगा कि छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो इसका होता है पाई एल ब्रैकेट में r2 - r1। जी हाँ, अच्छा से देख लीजिए क्या होता है इसका फार्मूला, तो पाई एल, एल मतलब तिर्यक ऊंचाई, और पाई एल r1 + r2, यहाँ पे एक मिस्टेक हुआ है, पाई एल और r1 + r2 होता है, r2- नहीं होता है, ये बात ख्याल रखिएगा। तो कुल मिलाकर यहाँ हो गया पाई और एल, एल कितना दिया था हम लोगों को, देख पा रहे होंगे एल 14 दिया है, तो एल के जगह पे 14 रख दिया जाए। ब्रैकेट में r2 का वैल्यू कितना है, तो r2 का वैल्यू 9/π + r1 का वैल्यू 3/π,
इस तरीके से आप देखेंगे तो 14 पाई इधर हो गया। ब्रैकेट का सॉल्यूशन करते हैं पहले, बताएं जैसे कि बोर्ड मास में पहले ब्रैकेट का काम किया जाता है, तो पाई और पाई एलजीएम होगा, तो यहाँ 9 प्लस 3 तो कुल मिलाकर 14 पाई गुने 12 बटा पाई, तो पाई से पाई खत्म हो गया। 12 को 14 से गुना कर दीजिएगा, जितना आएगा उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। तो कुल मिलाकर ये 2 क्वेश्चन सुने हम लोगों ने देखा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, कि क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोला जा रहा है। लिखा है एक तुर्की टोपी शंकु के छिनक के आकार की है। ये देखिए आकृति 13.24, यही वाला आकृति आपको बना लेना है अपने कॉपी में, ठीक है। ये देखिए बोल रहा ना कि देखिए आकृति 13 पॉइंट, यही है तुर्की टोपी। इसका नाम क्या है, एक तरह का टोपी है, हम लोग बर्थडे वाला जो टोपी देखते हैं ना, उस शंकु का आकार का होता है, जो बर्थडे में किसी बच्चे को नहीं पहनाया जाता है उस शंकु के आकार का होता है, लेकिन ये दूसरा टाइप का टोपी है जिसको तुर्की टोपी कहा गया। यह शंकु के छिनक के आकार का है। यदि इसके खुले सिरे की त्रिज्या, खुला सिरा, खुले सिरे की त्रिज्या कितनी है, 10 सेंटीमीटर, तो इसमें खुला कौन रहेगा, ऊपर वाला खुला रहेगा कि नीचे वाला खुला रहेगा। आप अगर समझते हैं तो ये टोपी है, तो टोपी इधर वाला खुला रहेगा तभी ना इसमें मुंडी घुस आएंगे, ऊपर वाला तो बंद है। इसलिए कभी कभी आपको क्वेश्चन में ना उसके लैंग्वेज के ऊपर भी समझना पड़ेगा। बोल रहा ना कि खुले सिरे की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला खुला है। कैसे हमको पता चला कि खुला है, हमको तो दिख नहीं रहा है, तो अरे भाई टोपी है तो नीचे से खुला रहेगा तभी ना पहनेगा आदमी, है ना। तो कहने का मतलब है कि इसका त्रिज्या 10 है, तो इसके त्रिज्या 10 है तो ये समझिए कि ऊपर वाला बड़ा है कि नीचे वाला बड़ा है, तो खुला वाला बड़ा है, इसलिए इसको बोलेंगे कि R2, त्रिज्या बोलेंगे, जो बड़ा है उसको R2 कहते हैं, बड़ी वाली त्रिज्या को R2 कहते हैं, छोटी वाली त्रिज्या को R1 कहते हैं। तो यहाँ खुला का दिया है कि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो हमको पता चला कि इसमें जो R2 है ना वो कितना है, 10। ऊपरी सिरे की त्रिज्या, ऊपरी तो बंद है यानी कि छोटा वाला, इसका त्रिज्या दिया है 4, और टोपी की तिर्यक ऊंचाई 15 है, तो बोल रहा है कि इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, कि कितना बनाने में इसको क्षेत्रफल कितना होगा, इसको बनाने में कितना क्षेत्रफल लगा होगा। तो सबसे पहले ये फिगर आप बना लीजिएगा, ठीक है। फिगर बनाने के बाद करना क्या है आपको, सिंपल वे में ये नीचे दिखा दीजिएगा, जब भी बुक में कॉपी में फिगर बनाइएगा कि नीचे वाला खुला है और खुला जो है एक तरह का बड़ा है, इसका बड़ा वृत्त बनेगा, तो ये बड़ा त्रिज्या, इसलिए यहाँ पे हम लोगों को क्या क्या दिया है। यहाँ हम आपको सामने फिगर नहीं बना रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आप खुद बना लीजिएगा। खुली वाली त्रिज्या जिधर से खुला हुआ है, खुले सिरे की त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, और खुला वाला सिरा जो है बड़ी त्रिज्या है, बड़ी है, इसलिए उसको नाम दे दिए गए हैं क्या, R2। R2 का वैल्यू 10 सेंटीमीटर है। फिर बोला गया कि जिधर छोटी त्रिज्या है, छोटी त्रिज्या को अक्सर हम लोग मान लेते हैं क्या, R1, इसका वैल्यू 4 सेंटीमीटर है। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई को L से सूचित करते हैं, L का वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। बोल रहा है कि इसे बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल होता है, तो लिखेंगे उसके नीचे कि तुर्की टोपी बनाने में प्रयुक्त पदार्थ का क्षेत्रफल बराबर। देखिए अब तुर्की टोपी को बनाने में कौन कौन सा भाग बनाया गया है, तो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए कि गिलास को अगर इसे पकड़ के हम लोग दूध वगैरह पानी पीते हैं ना, तो ये वाला वाला जो गोले गोले होगा तो वक्र पृष्ठ कहलाएगा, और ऊपर वाला छोटा वाला का क्षेत्रफल, जैसे ऊपर वाला ढक्कन तो लगाया है ना, नीचे वाला तो खाली है, इसलिए इसको बनाया गया कौन कौन सा पार्ट है, पहला तो वक्र पृष्ठ बनाया गया है, और ऊपरी सिरा, ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल, यानी कि तुर्की टोपी को बनाने में प्रयुक्त क्षेत्रफल कितना लगा होगा, तो छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल। ऊपरी सिरे का क्षेत्रफल हम क्यों निकाल रहे हैं,
इसलिए क्योंकि ऊपर से तो ढका हुआ है, निचली सिरे का क्यों नहीं निकाल रहे, क्योंकि इसमें तो मुंडी घुसाने के लिए जगह खाली रखा गया, उसमें तो कोई कुछ नहीं बनाने के लिए, उसको वो तो बना ही नहीं है, उसमें तो खाली जगह है। इसलिए संग छिनक का वक्र पृष्ठ और ऊपरी सिरा को जोड़ देंगे। तो छिनक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो ये होता है पाई एल ब्रैकेट में आर वन प्लस आर टू, और प्लस ऊपरी सिरा का, तो ऊपरी सिरे का त्रिज्या कितना रखे हैं, छोटा है ना, तो आर वन, तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर वन स्क्वायर। अब यहाँ से आप देख लीजिए पाई का वैल्यू कितना, 22/7, एल का वैल्यू कितना, 4, ब्रैकेट में कितना, एल का वैल्यू सॉरी 15, आर वन कितना 4, और आर टू कितना 10, तो 10 और 4 दोनों को जोड़ दीजिएगा 14, और फिर इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा, और इधर पाई आर वन का स्क्वायर, तो पाई की जगह पे 22/7, आर वन कितना 4, तो 4 का स्क्वायर 16 करके इसको कर लीजिएगा, फिर दोनों को जोड़ दीजिएगा, जितना आएगा जोड़ करके उतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो दोस्त आज हम लोगों ने 3 तक के क्वेश्चन किया, और याद रखिए 3 नंबर में तुर्की टोपी आपको बना देना है, सब चीज़ दर्शा देना है, क्योंकि बनाए रहेंगे आप फिगर तो आपकी आप ही को फ़ायदा होगा कि ये खुला सिरा क्या है, बड़ी वाली त्रिज्या क्या है ना। तो इस तरीके से आप फिगर जरूर मेंशन कीजिए अपने नोटबुक में जब आप सॉल्यूशन कर रहे होंगे। तो इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस को आपको ट्राई करने चाहिए, बनाने चाहिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।